राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। होली का त्यौहार आने वाला है और गुजिया ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुजिया की ऐसी रेसिपी जो बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में और भी ज़्यादा लाजवाब है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 200 ग्राम मावा लिया है, इसे हाथों से अच्छे से तोड़ लेंगे जिससे ये आसानी से भुन जाए। अब एक पैन में इसे भून लेते हैं। इसको लो फ्लेम पर ही भूनना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का रंग चेंज होने तक भूनना है। अब हमारा मावा भून चुका है, अब गैस को बंद कर देते हैं। अब हम गुजिया के लिए मैदा लगा लेते हैं। हमने 250 ग्राम मैदा ली है और उसमें 50 ग्राम घी डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मैदा हाथ में कुछ इस तरह से बन जानी चाहिए, अगर घी कम होगा तो मैदा हमारी बिखर जाएगी। अब हल्का गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसे गूंद लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। गुजिया का आटा हमें टाइट लगाना होता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारा आटा कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसे गूंदने में हमारा लगभग आधा कप पानी लगा है। अब इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा मावा ठंडा हो चुका है। अब हम गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच किशमिश, 1 चम्मच काजू, 2 चम्मच कसा हुआ गोला, 1 चम्मच चिरौंजी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और डाल लेते हैं 150 ग्राम बूरा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मावे में जो भी गांठें हैं उसे चम्मच से या हाथ से तोड़ लेंगे। अब गुजिया बनाना शुरू करते हैं। मैदे के आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे। अब इसकी लोइयां बना लेते हैं। ये लगभग पूरी की लोई के बराबर होनी चाहिए। इसको पूरी की शेप में बेलेंगे। बेलते वक्त ध्यान रखें पूरी को बीच से हल्का मोटा और किनारे से पतला रखना है। हमारी पूरी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसे पलटकर इसके निचले हिस्से में स्टफिंग कर लेते हैं। 2 चम्मच स्टफिंग हम पूरी के बीचों बीच रखेंगे और किनारे पर पानी लगा लेते हैं। ऐसे फोल्ड कर लें। अब दोनों किनारों को मिलाते हुए ऐसे दबा कर इसे बंद कर लेंगे। किनारे को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। अब इसको घोटेंगे। घोटने के लिए से अंगूठे से इस तरह दबाएं और उंगली से फोल्ड करें, फिर इसे दबाएं, फिर फोल्ड करें। ये हमारी गुजिया तैयार है। ऐसे ही एक और बनाते हैं। ये बेल ली। अब पलटकर इसमें स्टफिंग करें। पानी लगाकर किनारों को जोड़ लो
फोल्ड कर लो। और इस तरह से गूंथ लो, अंगूठे से प्रेस, उंगली से फोल्ड, अंगूठे से प्रेस, उंगली से फोल्ड। देखिए आसान है ना। ध्यान रखें कि गुजिया को कपड़े में ढककर रखें जिससे ये सूखे नहीं। ये मेरी सारी गुजिया तैयार है। अब घी चेक कर लेते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें गुजिया को डाल देंगे। गुजिया को डालते वक्त घी तेज गर्म नहीं होना चाहिए। गुजिया को हम मीडियम गैस पर पकाते हैं। इसको बीच बीच में ऐसे पलट कर सेक लीजिए। इनको दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेकना है। गुजिया को सेकने में आपके 10 से 12 मिनट तक लग जाते हैं। गुजिया अब हमारी तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसको इस तरह किनारे करके निकालेंगे तो इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। हमारी गुजिया अब तैयार है। आप भी इस आसान रेसिपी से गुजिया बनाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और त्यौहार की खुशियां मनाइए। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी गुजिया कैसी बनी। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।